सवाल सवाल न होकर अभी तो एक चिंता है। विश्व में हम अगर देखें प्रमुख रूप से चार धर्म अभी हैं। हाँ बोलिए। करीब 2000 साल पुराना धर्म सेवा और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और 1400 साल पुराना धर्म कट्टरता के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, लगभग 57 देशों में पनप चुका है, और विश्व का सबसे नया धर्म सिखी शौर्य सेवा और बल के माध्यम से पूरे समाज में अपनी जगह बना चुका है, और विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म जिसमें हम अहिंसा परमो धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम ये पाते हैं, उसकी स्थिति आज ऐसी हम पाते हैं कि हमें सबसे आसान शिकार सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे फॉलोवर्स के लिए। इसमें गुरुवर हम ऐसा क्या करें जो आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद हम अपने सबसे निकटतम जो हमारा सबसे नया धर्म है उसकी जो आज के दिन स्थिति है हम अपने आप को उस स्थिति में पा सकें। देखिए, आपकी चिंता बहुत ही गंभीर है और इस विषय में सभी को सोचना जरूरी। एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का पालन किया करती थी और जैन भारत में बहुसंख्यक माने जाते थे। ये कैसी विडंबना है कि बहुसंख्यक जैन अब अल्पसंख्यक बन गए और ये केवल भारत में ही सिमट कर रह गए, बाहर हैं भी तो उनकी संख्या बस नगण्य ही है। समाज को चाहिए, अभी हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है जैन धर्म को जगतव्यापी बनाने का, या यूं कहें जैन धर्म को जन धर्म में परिवर्तित करने का। टेक्नोलॉजी का युग है, हमें इसका प्रयोग करके जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करना चाहिए और यदि हम जैन धर्म को धर्म की जगह एक संतुलित जीवन शैली के रूप में व्याख्यायित करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी लोग आकर्षित होंगे। प्रायः हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई, हमने जैन धर्म की छवि अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं की। नतीजतन जैन होने का मतलब, जैन धर्म का मतलब बड़ा कठोर धर्म और जैन होने का मतलब एक पूंजीपति या शोषकों का समुदाय। यदि हमने जैन धर्म के जीवन व्यवहार मूलक बातों को या मूल्य परक बातों को लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया होता तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जिसमें क्षमा मृदुता पवित्रता और सरलता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। एक ऐसा जैन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र से मैत्री की भावना रखता है। हमें इस मूल्य परक बातों को लोगों तक पहुंचाना नितांत जरूरी है और ये बात लोगों के हृदय में बिठाना चाहिए कि जैन एक धर्म ही नहीं, जैन एक जीवन शैली है जो हमें सहज स्वस्थ संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। हमें इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। इसी के साथ जैनों के द्वारा जो लोकोपकारी जनहित के कार्य अब तक किए जा रहे हैं, अतीत में भी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में जैनों के द्वारा किया जाने वाला काम कई गुना अधिक। यदि ये बातें हम लोगों तक प्रचारित करें तो लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और स्वाभाविक रूप से वो जैन धर्म के प्रति आकर्षित होंगे। प्रचार प्रसार में लगाते हैं तो निश्चित अपनी स्थिति को कुछ अंशों में सुदृढ़ कर सकेंगे और तभी हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख सकेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, बोलो एक और बोलो। हाँ
जैसे और जगह हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि पूरा समाज एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होता है और उस सत्ता के द्वारा किसी भी बात को पारित किया जाता है तो उसको वो पूरी समाज उसको मानती है। देखिए ये जैन समाज में हो सकता है पर हो नहीं रहा है, दुर्भाग्य, क्योंकि समाज ऐसे तो संगठित है पर इतनी प्रबुद्ध है कि किसी एक छत्ते के नीचे नहीं है और हमारे यहाँ कभी कठोरता का पालन नहीं किया गया। फतवा जारी करने की या निर्देश जारी करने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रही, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पा रहा। लेकिन इस तरह की एक केंद्रीय व्यवस्था बन जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और बदलाव हो या ना हो भटकाव जरूर रुके। नमस्तु महाराज।